Hello students, I know there are many of you who find it difficult even to differentiate between these three type of letter formats. Don't worry, this video will clear your all doubts. Let's start with informal letter. See, informal letter hum kisko likhte hain? To our friend. To friend ke saath kaise baat karte hain hum? Tumhe yakeen nahi hoga ki aaj mere saath kya hua. Tumhe ek baat batau, tumhare tote ud jayenge ye baat sunke. मैं तुम्हें आज ऐसी खुशखबरी दूंगी, तुम हवा में उड़ने लग जाओगी. ऐसे वाली बातें करते हैं ना. सेम टोन हमें यूज़ करनी है इनफॉर्मल लेटर में. यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं. लाइक अगर आप ईडियम्स यूज़ करोगे, जैसे तोते उड़ जाने, ये हिंदी में मुहावरे हैं, इंग्लिश में ईडियम कहते हैं. ऐसे कुछ वर्ड्स यूज़ करोगे तो आपकी स्कोर बूस्ट होएगी, बिकॉज इनफॉर्मल लेटर में इनफॉर्मल टोन यूज़ करने की स्कोर मिलती है. और सेकेंड थिंग क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करनी होती हैं. लाइक आई एम की जगह पे एम, आई विल की जगह पे ये शॉर्ट फॉर्म कॉन्ट्रैक्शन, इस वे से यूज़ करनी है. इसके भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आपको. और थर्ड चीज़ क्या है, आपको क्वेश्चंस पूछने हैं वहाँ पे, उनका हाल चाल पूछना है स्टार्टिंग में. बट ये बातें आपको फॉर्मल लेटर में बिल्कुल भी नहीं करनी है. ऐसे फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं, जहाँ तो वो पर्सन हमसे सीनियर हो लाइक बॉस, या फिर वो पर्सन को हम नहीं जानते. तो ऑफिशियल वर्क के लिए कुछ लिखना है, उसके लिए क्या करेंगे, फॉर्मल लेटर लिखेंगे. तो मान लो जब आप छोटे थे, स्कूल प्रिंसिपल के सामने जैसे बात करते थे ना, कोई गलती ना हो जाए, कुछ ऐसी बात ना निकल जाए, ऐसे ही सेम टोन से आपको फॉर्मल लेटर लिखनी है. तीनों लेटर के फॉर्मेट को बताने के बाद मैं कंपेयर करूँगी सेम सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट वर्ड के साथ, डिफरेंट सेंटेंसेस के साथ आपको क्या यूज़ करना है एक्सप्रेशन. ओके, अभी इनफॉर्मल में क्या था, फ्रेंड को लिखनी है, जो मर्जी बातें करो, जैसे खुल के बातें करो, एडियम यूज़ करो, कंट्रैक्शन, एक्सप्रेशन, क्वेश्चंस. बट ये बातें हमें कहाँ नहीं करनी है, फॉर्मल लेटर में. फॉर्मल लेटर में हमें ईडियम्स नहीं यूज़ करने, कॉन्ट्रैक्शन नहीं यूज़ करनी, थोड़े बहुत डाल वर्ब्स यूज़ करने की कोशिश करेंगे, वुड करके, कुड करके, ऐसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे जो पोलाइटली लगता है इसके लिए. अभी मेन कन्फ्यूज़न किस में होती है, सेमी फॉर्मल लेटर में. तो देखिए, मान लो आप अपने फ्रेंड के घर पे गए और उनके पेरेंट्स से बातें कर रहे हो आप, तो पेरेंट्स से ठीक है, आप जिनको जानते हो फ्रेंडली बातें करोगे, बट इतना भी खुल के बातें नहीं करोगे ना. सेम टोन हमें यूज़ करनी है यहाँ पे. लाइक हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं, ईडियम्स को थोड़ा अवॉइड करो सेमी फॉर्मल में. ये लेटर किसको लिखनी होती है, जिसके साथ आपका कैजुअल रिलेशनशिप नहीं होता, मतलब आप उनको जानते हो लेकिन जो फ्रेंडली ज़्यादा है वो नहीं होते. सिंपल याद रखो, फॉर्मल लेटर लिखनी है ऑफिशियल पर्पस के लिए, इनफॉर्मल लिखनी है फ्रेंड को, और जो फ्रेंड के अलावा जो बाकी आएंगे उसको क्या लिखेंगे, सेमी फॉर्मल लेटर. मतलब कोई नेबर आ गया, उनके साथ जानते हो आप उनको, बट उनके साथ रिलेशन आपका इतना फ्रेंडली नहीं है, इतना खुल के बात नहीं कर सकते, उस वे से. एग्जाम्पल, आई वॉन्ट यू टू कम टू माई हाउस, ये हो गया इनफॉर्मल लेटर. आई वुड अप्रिशिएट यूर प्रेजेंस इन माई हाउस, ये हो गया फॉर्मल लेटर. अभी सेमी फॉर्मल कैसे आएगा, आई वुड लव इट इफ़ यू कम टू माई हाउस, वुड करके आ गया, बट प्रॉपरली इन्होंने फॉर्मल नहीं किया है. फॉर्मल में हम वुड करते हैं, वुड लगा दिया, बट बाकी थोड़ा इनफॉर्मल है, इस वे से. तो इनकी जो बिगनिंग करनी होती है, जैसे फ्रेंड ही है ना, तो उसको फर्स्ट नेम से बात करेंगे. लाइक मेरा नेम है कवलजीत कौर, तो किसी ने मुझे लेटर लिखनी है, इनफॉर्मल लेटर लिखनी है, तो वो पर्सन क्या लिखेगा, डियर कवल, बस. अगर मैं उसके लिए फॉर्मल हूँ तो नेम यूज़ करेगा ही नहीं, वो क्या लिखेगा पर्सन, डियर मैडम, या फिर किसी को भी लिखना है डियर सर, ऐसे करके. सेमी फॉर्मल में कैसे आएगा, लास्ट नेम आएगा, डियर मिस बमरा, या फिर डियर मिस्टर सिंह, ऐसे करके कुछ भी. इस ये होती है बिगनिंग के लिए. क्लोजिंग कैसे करनी है इनफॉर्मल में, बेस्ट रिगार्ड्स लिख के अपना फर्स्ट नेम लिखना है बस, लाइक कवल, बस. फॉर्मल में कैसे करनी है, योर्स फेथफुली, और नेम लिखना है फुल कवलजीत कौर, चाहे अपना लिखो चाहे ना लिखो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है.
सेमी फॉर्मल में क्या करना है, योर्स सिंसियरली, और इसमें भी नेम लिखना है फुल। ये तो मैंने ब्रीफ में बता दिया, बाकी बॉडी पैराग्राफ कैसे करने वो तो आपको पता ही होएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स पे मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस क्रिएट करके उसके ऊपर सैम्पल आंसर भी प्रोवाइड करूँ या समथिंग लाइक दिस, तो मुझे कमेंट में बता दो, उसके अकॉर्डिंग मैं वो अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।